श्रीकाल तुसी देख रहे हो स्क्रॉल पंजाब ते मैं खुशबू। यूक्रेन दे विच रूस दे वल्लों तबाही मचा दी गई है। रूस ने पूरी तरह दे नाल यूक्रेन दे विच तबाही जो है मचा दी है। रूस दे वल्लों पावर प्लांट उड़ा दिता गया। इरपिन दे विच पावर प्लांट सी, इरपिन इलाके दे विच पावर प्लांट सी जिसनूं रूस दे वल्लों उड़ा दिता गया फाइटर जेट राही बारूद वरसाया गया। रूस दे वल्लों फाइटर जेट राही बारूद वरसाया गया जिस दे नाल रिहायशी इलाके तो प्रभावित हो रहे ने, पर पावर प्लांट जो इरपिन दे विच वड्डा पावर प्लांट सी उसनूं उड़ा दिता गया रूस दे वल्लों। दस्सदे कि कीव दे विच हुण रूसी फौज दे वल्लों कीव दे विच वड़न दी कोशिश की जा रही है। कीव दे बहुत नेड़े रूसी फौज पहुंच चुकी है, कीव दे बहुत नजदीक रूसी फौज पहुंच चुकी है ते कीव नूं घेरा पाउण दी कोशिश जो है कीती जा रही है। दस्सदे कि जो बमबारी हुण रूस दे वल्लों कीती जा रही है पूरी तरह दे नाल पावर प्लांट तबाह हो गया। यूक्रेन दा वड्डा पावर प्लांट जो इरपिन इलाके दे विच सी पूरी तरह दे नाल तबाह हो गया है। फाइटर जेट राही रूस ने बारूद वरसाया कीव दे नेड़े जो 24 किलोमीटर लंबा काफला रूस दा पहुंच रहा है। कीव दे बहुत नेड़े पहुंच चुका है ये जो काफला रूसी फौज दा 24 किलोमीटर लंबा काफला है। दस्सदे कि इस काफले दे विच टैंक ते बख्तरबंद गड्डियां भी शामिल ने। जो काफला रूसी फौज दा कीव दे वल वध रहा है, यूक्रेन दी राजधानी है कीव, उस दे विच बख्तरबंद गड्डियां ते मिलिट्री टैंक भी शामिल ने। यानी कि रूस दे वल्लों यूक्रेन नूं पूरी तरह तबाह करन दी कोशिश कीती जा रही है। अज जंग दा 9वां दिन है ते 9वें दिन यूक्रेन पूरी तरह तबाह हुंदा देखिया जा सकदा है। यूक्रेन दे न्यूक्लियर प्लांट ते भी हमला कीता गया, हवाई हमला होया सी, मिसाइल दागया गया है, न्यूक्लियर प्लांट भी पूरी तरह प्रभावित होया ते उस तो बाद हुण जो पावर प्लांट है इरपिन इलाके दे विच पावर प्लांट सी पूरी तरह दे नाल तहस नहस हो चुका है, तबाह हो चुका है पावर प्लांट। दस्सदे कि रूस दे वल्लों लगातार हमले जारी ने। दो मीटिंगां हो चुकियां ने, दो बार गलबात हो चुकी है, एक बार एमरजेंसी बहस भी हुई सी। गल्लां सामने आ रही सी कि शायद कोई हल निकल सके, शांति बन सके, विराम लग सके इस युद्ध ते, पर इस युद्ध ते विराम लगदा होया नहीं देखा गया। रूस दे वल्लों लगातार हमले किए जा रहे ने। रूस दे वल्लों जो हमले किए जा रहे ने उस दियां भयानक ते खौफनाक तस्वीरां सामने आ रही ने। हुण खबर सामने आ रही है कि रूस दे वल्लों फाइटर जेट राही हवाई हमला किया गया, बारूद बरसाया गया फाइटर जेट राही ते जो पावर प्लांट है रूस दे वल्लों तबाह कर दिता गया पूरी तरह दे नाल तहस नहस हो गया। न्यूक्लियर प्लांट ते जदों हमला होया सी तो उस तो बाद जो कई देश ने उन्हां दे वल्लों चिंता जाहिर की गई सी। ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति ने यूक्रेन दे उन्हां दे नाल गलबात की गई सी, कई देशां दे वल्लों हाल जाने गया सी, यूक्रेन दा ताजा हाल जाने गया सी। इस मामले ते जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों ए भी कहा गया सी, कैनेडा दे पीएम जस्टिन ट्रूडो दे वल्लों कहा गया सी कि जो भी हमले रूस कर रहा है उसनु रोक देने चाहिए ने, न्यूक्लियर प्लांट ते हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ट्रूडो दे वल्लों ए भी बयान दिता गया सी, भी कहा गया सी, पर उस तो बाद एक खबर सामने आ रही है कि हुण पावर प्लांट उड़ा दिता गया। रूस दे वल्लों लगातार हमले किए जा रहे ने, मिसाइलां दागियां जा रही ने। बीते दिनी जो है एक मिलिट्री अकैडमी ते हमला किया गया, रिहायशी इलाके ते हमला किया गया, मैटरनिटी होम तक तबाह कर दिते गए। उस तो बाद न्यूक्लियर प्लांट तबाह करने की कोशिश की गई ते अज ते हुण दी जो खबर सामने आ रही है कि पावर प्लांट बुरी तरह दे नाल तहस नहस हो चुका है, तबाह हो चुका है पावर प्लांट। दस दिए कि ब्रिटेन दे वल्लों इस मामले ते चिंता जाहिर की गई सी कि जेकर न्यूक्लियर प्लांट ते जो हमला होया है, एटमी प्लांट ते हमला होया उस दे नाल पूरे दे पूरे यूरोप नू बिजली दे संकट दा सामना करना पै सकदा है। तेज दे चलदे ही यूएनएचसी दी एक मीटिंग भी बुलाई सी, पर उस तो बाद हुण पावर प्लांट ते हमला कर दिता गया फाइटर जेट राही बारूद जो है दागया जा रहा है। दस दिए कि इसे विचार एक वड्डी खबर भी आ रही है कि यूएनजीए च रूस खिलाफ मते ते वोटिंग हुई है। रूस जो हमले कर रहा है उस खिलाफ एक मता पास किया गया जिस ते वोटिंग हुई है, जिस दे विच पंज देशां दे वल्लों रूस दा समर्थन दिता गया। पंज देश जो ने रूस दे हक दे विच ने, रूस दे हक दे विच पंज देशां दे वल्लों समर्थन दिता गया। पर भारत दी गल की जावे तां भारत दे वल्लों इस बार भी वोटिंग दा हिस्सा नहीं बनया गया। पहला भी दो बार जदों वोटिंग हुई सी
ਮਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 141 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਨੰਬਰ ES 11-1 ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੰਗਬਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜੋ ਹੈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚੋਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਸ ਜੋ ਹੈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਲੇ ਵੀ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਜੋ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੁੱਧ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਇਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਜੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।